एमपी के प्रसिद्ध संत पंडित देव प्रभाकर शास्त्री उर्फ दद्दा जी लंबी बीमारी के बाद ब्रह्मलीन हो गए। दद्दा जी को शनिवार को दिल्ली से कटनी उनके आश्रम में लाया गया था, जहां उन्होंने अपनी देह त्याग दी। कटनी में आज पूरे विधि विधान से उनका अंतिम संस्कार किया गया। दद्दा जी काफी दिनों से वेंटिलेटर पर थे, लिवर और किडनी की गंभीर समस्या से वे जूझ रहे थे। दद्दा जी के भक्तों में कई दिग्गज नेता और अभिनेता भी शामिल हैं। उनके निधन पर मध्य प्रदेश की दिग्गज हस्तियों ने शोक जताया है। दद्दा जी का जाना तो ये शब्दों के माध्यम से तो बता पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन इतना हम ज़रूर कह सकते हैं कि दद्दा जी कहीं गए नहीं हैं। दद्दा जी ने तो ब्रह्मलीन हुए हैं। दद्दा जी ने अपने शारीरिक रूप से हम लोगों के बीच में जो है यहाँ से पदार्पण किया है, लेकिन मानसिक रूप से आध्यात्मिक रूप से वो जीवन भर जब तक राजपाल के तन में सांस है दद्दा जी जी हैं, विद्यमान हैं, हृदय के अंदर हैं। रियल लाइफ होती है, एक रील होती है, तो रील के तो बहुत निर्देशक मिले, लेकिन रियल लाइफ के निर्देशक के रूप में जो पूज्य दद्दा जी ने जीवन की पाठशाला में जिस तरीके की कढ़ाई और मझाई और जो की है, और दद्दा जी ने बहुत उचित समय बहुत हर कोने पर हमें काढ़ा है। देखिए, अगर आप दैहिक रूप से बात करेंगे तो अभी तक गुरु हमारी आंखों का विषय थे, लेकिन अब हमारी अनुभूति का विषय है। जब वो सम्मुख नहीं होता है, जिस आदर्श का शरीर या जिस आदर्श की देह या जिनके साथ आपको प्रत्यक्ष अपनी समस्याओं के समाधान मिलते थे, जब वो सम्मुख नहीं होते हैं तो अब वो आपके साथ हो गए हैं। क्योंकि हमारा ये मानना है कि परमात्मा का साकार स्वरूप जो होते हैं वो गुरु होते हैं, और गुरु का जो निराकार स्वरूप होता है वो परमात्मा होता है। तो परम पूज्य दद्दा जो परम चेतना है वो गुरु के रूप में साकार थी, और अब उनका जो पंच भौतिक से बना हुआ शरीर था वो पंच महाभूत में ही विलीन हो गया। तो अब वो वैसे भी गुरु को परम ब्रह्म कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो ब्रह्मा की भांति शिष्यों का पालन करते हैं, वो विष्णु की भांति उनका रक्षण करते हैं, और वो महादेव शिव की भांति उनके अंदर के समस्त विकारों का शमन करते हैं। इसलिए गुरु को परम ब्रह्म कहा जाता है। और परम ब्रह्म जो होता है वो व्यक्ति का विषय नहीं होता, वो अवस्था होती है। तो परम पूज्य दद्दा सदैव वर्तमान रहेंगे। आप जो कुछ भी आशुतोष राणा के अंदर देख रहे हैं वो पूज्य दद्दा की कृपा का सत्परिणाम है, क्योंकि हमारे जीवन के मार्ग भी वही थे, मार्ग पर चलने वाले भी वही थे, और हमारे जीवन की मंजिल भी वही थे। तो मैं उनसे ही था और उनसे ही हूँ। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान के अलावा पूर्व सीएम कमलनाथ ने भी ट्वीट कर दद्दा जी के निधन पर शोक जताया। दद्दा जी का जन्म मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक साधारण किसान के यहाँ हुआ था। बचपन में ही पिता का साया सर से उठ जाने के बाद दद्दा जी का बचपन काफी कठिनाइयों से भरा रहा। वाराणसी में अध्ययन के दौरान दद्दा जी स्वामी करपात्री जी से दीक्षा लेकर उनके शिष्य बन गए। 1962 से अभी तक दद्दा जी ने 180 श्रीमद् भागवत कथाएं और अनगिनत धार्मिक अनुष्ठान संपन्न कराए। करपात्री जी के आदेश के पालन में दद्दा जी ने 125 करोड़ पार्थिव शिवलिंग निर्माण महायज्ञ नवंबर 1980 से शुरू कर मई 2016 तक संपन्न कराया। ये क्रम बढ़ते हुए अभी तक 132 करोड़ पार्थिव शिवलिंग निर्माण महारुद्र यज्ञ और रुद्राभिषेक दद्दा जी ने कराए थे। कटनी से अमर ताम्र कार की रिपोर्ट।